अंतरिक्ष के बाद अब समंदर की गहराई में उतरेंगे भारतीय वैज्ञानिक। हिंद महासागर में छिपा दुनिया का अनमोल खजाना आएगा बाहर। भारत करने जा रहा इतिहास का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन मत्स्य 6000। खोजेगा वो खजाना जो भारत को बना देगा दुनिया का सुपर पावर। दोस्तों, हाल फिलहाल आपने देखा है कि भारत जमीन के अंदर दबे खजानों को लगातार बाहर निकाल रहा है। भारत ने अब खनिजों के सर्वे की रफ्तार को भी बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार को ऐसा कुछ कहा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल एजेंसी ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज छुपे हुए हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं, और इसके तुरंत बाद ही भारत की नजर अब हिंद महासागर की गहराई में छिपे उन अनमोल खजानों पर पड़ चुकी है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और ना ही किसी ने ऐसा सोचा और जहमत उठाई, क्योंकि अथाह समंदर के तल में वो खनिज मौजूद हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और भारत इसके लिए एक बड़े मिशन की शुरुआत कर चुका है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिम्मत दिखाई है भारत की स्पेस एजेंसी ISRO ने। इस मिशन को मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत का यह मिशन कितना ज्यादा बड़ा है ये इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया के 167 देशों के संगठन अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो काम अब भारत करने वाला है, और भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। और दोस्तों, कई ऐसी जरूरतें हैं जिनके मामले में भारत चीन को भी पछाड़ सकता है। तो दोस्तों, आखिर समुद्र की गहराई में भारत क्या कुछ निकालने वाला है और आखिर क्या है ये मिशन मत्स्य 6000, तो चलिए जानते हैं। 6000 मीटर गहराई में उतरेगी भारत के वैज्ञानिकों की टीम। मिशन मत्स्य 6000 सफल रहा तो इतिहास रच देगा भारत। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ISRO जो अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च करता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मिशन होता है जमीन के अंदर अपने लोगों को उतारना, और वो भी 6000 मीटर की गहराई में। और दोस्तों, वहां से भारत आखिर खनिज निकालेगा कैसे ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट की बात आपको बताता हूं। तो दोस्तों, समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई ने एक स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है जिसे मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। मत्स्य यानी मछली, मतलब ये पनडुब्बी मछली के आकार की है जो भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक लेकर के जाएगी, जिसका मकसद ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके तलाशना है। ये भारत के समुद्रयान मिशन का एक हिस्सा है। वैसे भारत अपने इस मिशन का पहला टेस्ट 2021 में ही कर चुका है जो पूरी तरह से सफल रहा था। उसके बाद ही भारत को मत्स्य 6000 को लेकर के भारत सरकार से हरी झंडी मिली। इसके शुरुआती टेस्ट में दोस्तों पहले वैज्ञानिकों ने 500 मीटर गहराई में जाने वाला यान बनाया। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज से इसका सफल टेस्ट हुआ। इसकी सफलता से ही भारत सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के महासागर मिशन का हिस्सा है। और दोस्तों, अब आपको मत्स्य मिशन 6000 के सबमरीन के बारे में बताता हूं। दरअसल ये अत्याधुनिक पनडुब्बी टाइटेनियम से बनी हुई है। इसका 60% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है। इस पनडुब्बी का कुल व्यास 2.1 मीटर का है। इसमें पॉलीमेटलिक मैगजीन, नोड्यूल्स, हाइड्रेट गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध हैं। इसमें रडार, भूकंपरोधी उपकरण पहले से ही मौजूद हैं। समुद्र तल से उठने वाली भूकंपीय तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण भी इसमें लगे हैं। ये समुद्रयान भारत के 3 लोगों को समुद्र की गहराई में लेकर के जाएगा। इसमें 12 कैमरों से मत्स्य 6000 की पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके जरिए 96 घंटे तक 6000 मीटर समुद्र में रहा जा सकेगा। दिसंबर 2024 तक अपने सभी टेस्ट के लिए यह तैयार होगा और 2026 तक मिशन मत्स्य पूरा होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों, इस मिशन का पहला टेस्ट जल्द ही इसी साल को होने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि भारत इससे क्या हासिल करने वाला है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा खेल जुड़ा हुआ है समुद्र के गहरे रहस्य से, वहां दबे हुए खनिज और सबसे बड़ा पॉइंट भारत की ब्लू इकोनॉमी। दोस्तों, भारत की तटरेखा
7517 किलोमीटर की है। इस पूरे क्षेत्र में 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप हैं। दोस्तों, भारत के इस मिशन से इन क्षेत्रों की ब्लू इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होगी। इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकसित होगी। समुद्र में छिपे गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटलिक मैगजीन, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट का भी इससे पता लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें 1000 से लेकर के 5500 मीटर की गहराई में मिलती हैं। यानी भारत का ये मिशन चट्टानों, मिट्टी और समुद्री तल के गुणों को समझने के लिए होगा। इससे भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट भी मिलेगा। वहीं इस मिशन का एक और कनेक्शन है और वो है हिंद महासागर में छिपा बेशकीमती खजाना। और दोस्तों, इसके लिए दुनिया की अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भी भारत की मदद करने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, असल में अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने ही मोदी सरकार को कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। ISA ने कहा कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज छुपे हुए हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अधिकांश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज में निकल और कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। दोस्तों, ISA ने कहा कि भारत यहां पर खनिज निकालकर गहरे समंदर में खनन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकता है। ISA के महासचिव माइकल डब्ल्यू लॉज ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। माइकल डब्ल्यू लॉज ने डीप ओशन मिशन के माध्यम से इस दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों की तगड़ी प्रशंसा करते हुए कहा, भारत गहरे समंदर में खनन से वैश्विक भूमिका निभा सकता है। अब ये संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से बाहर निकाला जाए और सबसे ज्यादा इसमें भारत को ही फायदा होगा। आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना आने वाला है और इसमें जो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है लिथियम, निकल और कोबाल्ट। भारत को पहले से ही बड़ी तादाद में लिथियम मिल चुका है और दोस्तों, ऐसे में अगर अब भारत हिंद महासागर से निकल और कोबाल्ट भी हासिल कर ले तो फिर भारत इस दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। आज की डेट में भारत निकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और ये भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप घरेलू आपूर्ति विकसित नहीं कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, समुद्र तल में भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त तौर पर निकल मौजूद है। यदि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो भारत के पास ऐसी क्षमता पहले से ही है। इसी तरह भारत के पास कोबाल्ट के लिए भी कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्री तल वो स्रोत प्रदान करता है। मतलब दोस्तों, ये भारत के लिए गोल्डन चांस है और भारत इसको लेकर के पूरी तरह से रणनीति भी बना चुका है।